हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रीवियस दो लेक्चर से हमने इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट किए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में फर्स्ट हमने क्या देखा था, कॉम्प्रेहेंसिव क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। मीन कॉम्प्रेहेंसिव क्वेश्चन मीन पूरा एक क्वेश्चन दिया जिसमें पूरी डिसोल्यूशन की प्रोसेस दी है, तो अगर उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी हो तो कैसे करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट लेजर्स प्रिपेयर किए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया। फाइन, अब हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स। ओके, वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमें करना पड़ते हैं, उसमें सबसे पहले होता है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां बोले ट्रीटमेंट ऑफ एनी फंड विच आर रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक एसेट। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ फंड रिलेटेड टू एनी एसेट, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझें कि एक्चुअली फंड्स होते क्या है, इनका पर्पस क्या है। देखिए, आपकी ये बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में हमारे पास इस साइड में सारी एसेट्स होती हैं एंड हियर वी हैव सम लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी। ओके, अब एसेट के अंदर, अच्छा लायबिलिटी साइड के अंदर क्या होंगी, सारी हमारी इंटरनल लायबिलिटीज होंगी, जस्ट व्हाट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑफ ए बी सी ऐसे दिया होगा। और फिर कुछ इंटरनल लायबिलिटीज होंगी जस्ट लाइक व्हाट रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व और बिसाइड्स वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड, इस तरह की होगी। और उसके बाद फिर हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लोन्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज मींस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। एसेट साइड में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होंगी और करंट एसेट होंगी। अब यहां पर क्या होता है, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं, ऐसी एसेट फॉर्म की होती है जिनकी वैल्यू में कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन होता है या जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जस्ट लाइक व्हाट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपीस के मार्केट से इन्वेस्टमेंट बाय किए, एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट कौन सी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आप मार्केट से बाय करते हो, इनकी प्राइसेस के अंदर बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है। आज प्राइसेस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ेंगी तो आपको प्रॉफिट है, वो तो अच्छी बात है, बट अगर लॉसेस हो गए तो देखिए, अगर इसमें लॉसेस हो जाएंगे तो वो लॉसेस आपके बिजनेस की देखिए लिक्विडिटी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है। एनीवे, प्रॉफिटेबिलिटी, तो फर्म क्या करती है, इनके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर देती है, जिसे इसके अगेंस्ट कौन सा बन जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया 30,000 रुपीज का। अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता कहां से, ये बनता है आउट ऑफ द प्रॉफिट। आउट ऑफ द प्रॉफिट मींस आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसफर करते जाते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ही बनेगा। हाँ, आउट ऑफ द प्रॉफिट और अगेंस्ट द प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाले टॉपिक में, आप वहां पर देख सकते हैं। फाइन, तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस ना हो उसके लिए हमने आउट ऑफ द प्रॉफिट एक स्पेशल रिजर्व बनाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इसका पर्पस क्या है कि इसकी जो बुक वैल्यू है जितने में हमने बाय किया है और जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू इस प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है और उसको डाउन होने से कुछ लॉस होता है, तो उस लॉस को हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या करेंगे, कॉम्पनसेट कर देंगे। लेट सपोज अगर आपके इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 82,000 रुपीज के हो गए, तो 1 लाख से 82 मींस देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज व्हाट, 18,000, 18,000 का लॉस हो गया। अब 18,000 का ये जो लॉस है, हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व बनाया 30,000 का, इस 30,000 से हम इसको कॉम्पनसेट कर लेते हैं। फाइन, इसी तरह से एक और एक टाइप का और होता है, जैसे JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और उसके अगेंस्ट हम क्या बना लेते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड। भाई एनएवी के अंदर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के एनएवी के अंदर भी क्या होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो हमारे पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारी एसेट होती है, उसकी लॉसेस के, उससे अगर होने वाले लॉसेस के लिए हम JLP फंड बना लेते हैं। एनीवे, ये कम आता है बट IFR आपको ज्यादा आता है, तो हम IFR की बात करके चले। ठीक, तो इन्वेस्ट ये, अब इसका रियलाइजेशन के टाइम पर, डिसोल्यूशन के टाइम पर एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिलता है, ठीक है, बाकी सारी एसेट्स को अपनी जगह छोड़ें, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इधर आपको लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, लेट सपोज 50,000, थ्री पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। ओके फाइन, तो आज सबसे पहले ये चेक कीजिएगा इसको ट्रीट करने से पहले कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको पता है किसके अगेंस्ट बनता है, अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट, ये एक एसेट के अगेंस्ट बना हुआ स्पेशल रिजर्व है, तो आप चेक करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट है बुक्स में। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ रुपीज 3 लाख,
अगर ऐसा है कि IFR है और उसका इन्वेस्टमेंट है, मींस फंड की असेट अवेलेबल है, तो अब आपका ट्रीटमेंट क्या होगा भाई? आप एक कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और रियलाइजेशन अकाउंट में आपके कॉलम से पर्टिकुलर अमाउंट, और एक बनता है आपका क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं ज्यादा आगे बात नहीं कर रहा, उसमें ABC पर्टिकुलर्स, A, B और C, ये ठीक है। तो अगर ऐसा है कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट है और उसके अगेंस्ट IFR है, IFR भी और इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों है, मींस फंड भी है और उसके अगेंस्ट की एसेट भी है, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कहां ले जाते हैं? हम रियलाइजेशन में। टू इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में चला जाएगा 3 लाख रुपीज, ये चला जाएगा 3 लाख। बुक वैल्यू से ट्रांसफर होता है ना फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट जितने में बिके वो आप देखे। और ये जो IFR है, अगर इधर इन्वेस्टमेंट है तो ये IFR रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा बस, उसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आपको क्या करना है? उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दें और रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालकर उसको छोड़ दें, बस हो गया आपका ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर जिसे इन्वेस्टमेंट को बोला गया कि इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹2,50,000, तो आप जैसे लिखते हैं आप बाय कैश, उस तरह से आप लिख करके उसको पूरा कर ले। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने क्या कहा कि आप देखें IFR है तो चेक करें उसके अगेंस्ट की असेट है क्या। अगर उसके अगेंस्ट की असेट है तो असेट को उनकी बुक वैल्यू से रियलाइजेशन में जैसे यूजुअली डेबिट करते कर दीजिए, और IFR को रियलाइजेशन में क्रेडिट करके छोड़ दीजिए। इस IFR को आगे कुछ मत कीजिएगा, आप जैसा है वैसे ही लिखकर उसको छोड़ दें, फाइन। तो ये हमारा ट्रीटमेंट वन, जब IFR के अगेंस्ट, व्हेन एसेट अगेंस्ट IFR इज प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, इज गिवन इन बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट है। अब इसमें हम अगर सेकंड ट्रीटमेंट की बात करें तो सेकंड ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है? व्हेन ओनली IFR इज गिवन एंड नो एसेट अगेंस्ट दैट IFR इज गिवन। सिर्फ IFR दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट की एसेट नहीं है, लीजिए बस IFR। हो सकता है उसके अगेंस्ट की एसेट बिक गई हो, IFR को अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक। तो जब भी कभी ऐसा हो, दिस इज अवर सेकंड ट्रीटमेंट, इसके अलावा कोई थर्ड ट्रीटमेंट होगा नहीं उसके अंदर। अगर जब भी कभी ऐसा हो तो आपको IFR को क्या करना है? नाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट IFR जस्ट लाइक एनी अदर रिजर्व। IFR विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 532 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 25,000, 15,000 और 10,000, दैट्स इट। जैसे हम रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे WCR डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कोई दूसरा कैपिटल रिजर्व या P&L डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उसको भी IFR को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट की असेट नहीं है, वो ऑलरेडी पहले ही सेल हो चुकी है, फाइन। तो दो ट्रीटमेंट क्या? पहले ये देखेंगे भाई कोई IFR है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, कोई इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट IFR के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर असेट अवेलेबल है तो उसको क्या करो, सीधे असेट को डालो रियलाइजेशन के डेबिट में उनकी बुक वैल्यू से, उसके बाद IFR को डाल दो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, लिख करके छोड़ दें, दैट्स इट। उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, फाइन। उसके बाद अगर बाय द वे बाय चांस उसके अगेंस्ट सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, उसके अगेंस्ट असेट नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर असेट नहीं है तो आप फिर आप IFR को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे, फाइन। ये इसका ट्रीटमेंट है। बट कभी ऐसा हो जाए, कभी देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई अल्टीमेटली जा तो ये क्रेडिट में ही रहा है, IFR यहां भी लिखूंगा तो इससे क्या होगा, रियलाइजेशन का क्रेडिट बढ़ा देगा, जिससे रियलाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और वो प्रॉफिट भी अल्टीमेटली इसमें ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाय द वे बाय चांस मैंने जो आपको फर्स्ट केस बताया कि भाई इधर IFR है और इधर इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, और आपने इन्वेस्टमेंट यहां लिख दिया और IFR को बजाय इधर लिखने के इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या ट्रीटमेंट रॉन्ग होगा? तो वो नहीं, रॉन्ग नहीं होगा। उस केस में भी ट्रीटमेंट करेक्ट होता है, कंसिडरेबल है, बट उसका प्रायोरिटी किस चीज को देंगे आप? आप उसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो यही है कि अगर उसके अगेंस्ट की असेट है तो असेट शुड बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड दैट IFR शुड बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिख करके छोड़ दिया जाए। नीचे डिस्ट्रीब्यूट तभी करना जब उसके अगेंस्ट असेट नहीं हो, और अगर असेट है और नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया तो भी अपने आप में रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है, क्रेडिट ही जाता है बेसिकली। लेकिन अगर असेट नहीं है तो फिर आप उसको रियलाइजेशन में ना डालें, ओके फाइन। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, या कोई भी ऐसी असेट जैसे मैंने JLP बताया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, तो उसका भी ये ट्रीटमेंट होगा कि अगर इधर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है और इधर JLP फंड है तो JLP को उठाकर डालते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में और JLP फंड को उठाकर डालते हैं रियलाइजेशन क्रेडिट में, और अगर JLP नहीं है और JLP फंड है तो फिर JLP फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो
ये हमारा ट्रीटमेंट था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट का एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें कोई डाउट लगता है या कोई और क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी. थैंक यू.